जय हिंद साथियों, आप सभी को दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लेक्चर नंबर 10 बात करेंगे। पिछले क्लास में जो बात किए थे हम लोग वॉइड से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के डेंसिटी के ऊपर। तो हम लोग यूनिट सेल का डेंसिटी को कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी को हम लोग को समझना है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोटेड करते हैं। देखिए डेंसिटी जो होता है वह यूनिट सेल का डेंसिटी यह होता है जेड एम बटा एक्यू एन ए। यह होता है जेड जो होता है वह रैंक होता है। रैंक जैसे कि जेड एस सी का जो होता है जेड का वैल्यू 1 होता है, बी सी सी का जो होता है वह 2 होता है, एफ सी सी का जो जेड का वैल्यू होता है वो 4 होता है। तो जेड का वैल्यू हो और एज होता है यह एज लेंथ होता है, एज लेंथ होता है और एम जो होता है वह मास होता है, गिवन मास जो दिया हुआ रहेगा मास होता है एटम्स का, और एन ए जो होता है वह एवोगैड्रो नंबर होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है 6.022 × 10²। इसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन में आपको सारा डाटा दिया रहेगा या डाटा से डाटा निकालना पड़ेगा। इस प्रकार के एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन नीट एग्जामिनेशन IIT JEE के पेपर में आते हैं। तो हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला क्या समझे, जेड एम बटा ए क्यू एन, जेड रैंक है, एम मास है, ए जो है एज लेंथ है और एन जो है क्या है एवोगैड्रो नंबर है। इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन को हम लोग जब देखेंगे तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट हैविंग बी सी सी ज्योमेट्री। गिवन जो डाटा दिया हुआ है वह क्या है, गिवन जो है वह क्या है बी सी सी ज्योमेट्री है। तो बी सी सी में जेड का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है 2 होता है। हैज एटॉमिक मास 50 U। जो एटॉमिक मास जो दिया है एम का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया हुआ। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। कह रहा है कि डेंसिटी निकालिए कि क्या होगा यूनिट सेल का। इफ द एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर, माने एज लेंथ जो दिया हुआ है ए का वैल्यू जो दिया है 290 पिकोमीटर दिया हुआ है। अब हमेशा हमको पिकोमीटर को जो ध्यान में रखना है कि उसके अगर CGS यूनिट है तो CGS सेंटीमीटर में, अगर SI यूनिट है तो उसको SI यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करके ही आगे को प्रॉब्लम को सोल्यूशन करेंगे। तो यह जो होता है कि 290 पिकोमीटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यह U दिया हुआ है, U का मतलब होता है ग्राम मोल इनवर्स 1, इसका यूनिट होता है U का मतलब। तो U ग्राम में दिया हुआ है तो इसका भी हमको अगर CGS में है तो इसको भी हम CGS में कन्वर्ट करेंगे। तो 290 × 10²⁻¹⁰ cm कर देंगे तो A का वैल्यू आ गया, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू जेड एम बटा क्या होता है ए क्यू एन ए होता है। तब जेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी सी सी है तो 2 है, मास कितना दिया हुआ है तो 50 दिया हुआ है, और ए कितना दिया हुआ है 290 × 10²⁻¹⁰ के होल क्यूब हो जाएगा इंटू 6.022 × 10²³। अब इसको हम लोग आगे करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा कन्वर्टेड हो जाएगा 100 हो जाएगा ऊपर, इसको 290 के होल क्यूब इंटू 10²⁻¹⁰ हो जाएगा इंटू 6.022 × 10²³ हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 / 290 क्या होल क्यू इंटू 10²⁻¹⁰ इसका बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो 10²⁻¹⁰ कितना देगा -7 × 6.022।
इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखे हैं कि डेंसिटी के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, सब डाटा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन उसका ध्यान रखना है कि CGS में यूनिट पर बहुत है, कभी मीटर में भी कन्वर्ट करना हो जाएगा एज लेंथ, कभी सेंटीमीटर पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखें डेंसिटी के ऊपर कि डेंसिटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे फिर हम लोग आगे हम लोग देखेंगे वीडियो जो सॉलिड स्टेट का है वो डिफेक्ट के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।